I gave you an instruction, right? Suppose I said, gender wise, sit, girls will sit separately, or house wise, roll number wise, number wise. The thought came in our mind that we, how you all were sitting here, you're sitting according to your class, or maybe you are comfortable with that particular fellow or your friend, that is why you are sitting. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. The first thing that we should leave our comfort zone, right? Because now the alarm has been started, and what we are supposed to leave anyhow our comfort zone. It was just a statement to sit according to housewife. Here I'm not going to say you again, sit housewise, roll number wise, alphabetically or roll number wise. I hope you got my first point, that you are supposed to leave your comfort zone. Students, the second adjective for the students, lethargic, lazy. सबसे बड़े lazy fellow कौन? Students. What they do? Suppose any teacher, they give any of the homework, procrastinate. It's the tendency of human beings. हमें जो काम आज मिला है हम उसे अभी नहीं करेंगे. What we will do? We will just cross check. Last date कब है? अभी बहुत time है. और आप पे into 10 apply होता है. Exams अभी थोड़ी ना है. बाद में प्रिपरेशन करेंगे. Procrastinate. The first chapter of Flamingo English is giving the same message. Procrastinate. What we do? We just keep postponing the things that we should avoid. So what is the second point? Procrastination. Lethargic or stop procrastinating. Clear? And whatever the problems or the tensions or the feelings or emotions you are having, बहुत सारे हैं भाई. यहाँ हमारी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा है और मैम एग्जाम की बात बता रही हूँ. मैम कह रही है पढ़ो स्कूल और उस तो टेल योर हार्ट ऑल इज वेल यू माई ऑल द इमोशंस एंड फीलिंग्स आर वेरी रेस्पेक्टेड. प्लीज मुझे 3-4 महीने बाद आकर के मिलना, देन आई विल हग यू, राइट? सो स्पीक टू योर सेल्फ. Third point, ask, because you know yourself. Have you ever seen an egg? Yes. Egg को देखा है? Yes ma'am. क्या होता है अगर chick को आप तोड़ के बाहर निकालेंगे? मर जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका जो pressure है within, जब तक वो उसे तोड़ के खुद से बाहर नहीं आएगा, he won't be able to survive ही नहीं कर पाएगा. So that ignite, that light, that kick, that slap, everything, that push up is in ourselves. उसे हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, right? When God was making me, you, everyone, 4 fingers बनाई, एक thumb बनाया, equal है? नहीं. Is it equal? नहीं. How is it possible? कि ये भी उतने percentage लाए, ये भी लाए, ये भी लाए, ये भी लाए, all are different. But what we should know कि ये मेरा loophole है. ये डिफरेंस है, दैट आई शुड वर्क ऑन इट. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट. यस मैम. सो दैट एवरीथिंग इज इन यू. जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत का याद दिलाना पड़ा था. अभी आप सब लोग सो रहे हैं, सब हनुमान जी हैं, सब में यू ऑल आर हैविंग दैट पावर दैट इज स्लीपिंग समवेयर एल्स. उसको जगाइए. थिंक, रीथिंक. 12th फेल बुक में अभी देखा था, रीस्टार्ट, राइट? तो कैसे करेंगे? आप सबको खुद के सर्कमस्टेंसेस पता है, एवरीथिंग यू नो वेरी वेल कि कहाँ किस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हो. और हेयर आई एम नॉट डीलिंग विद द स्टूडेंट्स. कोई गायनेकोलॉजिस्ट बैठा है, कोई डेंटिस्ट बैठा है, कोई जज बैठा है, कोई इंजीनियर बैठा है, कोई IAS PCS बैठा है, कोई इसी स्कूल में चीफ गेस्ट बन के आएगा, तब हम कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, राइट? वी विल वेलकम यू ऑल. अपने लिए तो ताली बजा दो कम से कम. और दूसरों के लिए नहीं, एटलीस्ट खुद के लिए. पढ़ना किसके लिए है? आप किसके लिए पढ़ना है? अपने लिए. खुद के लिए.
मार्कशीट किसको मिलेगी? हमें। परसेंटेज किसके आएंगे? हमारे। एक बड़ी सी होर्डिंग में खूब अच्छी सी फोटो खींचनी है। एक बोल ले
हमने इस प्रॉब्लम पे कितना वर्क किया किया नो वी हैव नॉट डन इट वी वर जस्ट कंप्लेनिंग कि मैम कोई नहीं रहा था काम कर नहीं पा रहा था डिफिकल्ट था राइट दो मार्क पेपर आपके हो गए हैं इंग्लिश के दोनों डिफिकल्ट है उनका डिफिकल्टी लेवल फाइन सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न द आंसर्स बाय हार्ट या जो मिस हो गया तीन चार चैप्टर मैंने बताए थे जो स्मॉल चैप्टर्स हैं जिनमें स्मॉल क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस स्पेशली आते हैं आपने हैव यू रिवाइज ऑल दोस चैप्टर्स नो द फिफ्थ पॉइंट दैट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर साइंस स्टूडेंट्स ऑल द टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो बहुत फोकस कर रहे हैं कोचिंग भी है ये भी है वो भी है कॉमर्स स्टूडेंट्स मेन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज मैम हिस्ट्री पढ़नी है मैम ज्योग्राफी नहीं आती पॉलिटिकल साइंस बहुत डिफिकल्ट है बट वॉट अबाउट दिस इंग्लिश एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट फिफ्थ इज दैट योर ऑल द सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट दैट ऑल्सो यू आर मिसिंग इट फाइन नो हार्म कि अगर आप अपने ग्रुप गोल्स पे वर्क करते हैं अपने टीचर्स से बात करते हैं एक टाइम टेबल सेट करिए हर चीज आपको जो कंफर्टेबल टाइम लगता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होना पड़ेगा वो अलग है क्योंकि हमें कंफर्ट जोन छोड़ना है राइट अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्त में कह रहे हैं पढ़ाई होती है जहां पर भी पढ़ते हैं वहां छोटी सी सरस्वती देवी की फोटो जरूर रखिए या मन में ध्यान करके पढ़ना जरूर करिए शुरू राइट गिव इंपॉर्टेंस टू दोज शॉर्ट राइटिंग टास्क और द नोट्स विच यू आर मेकिंग इट उसका भी रिविजन करना है हाफ एन आवर कोई एक टाइम डिसाइड करिए जो बच्चे बस में जाते हैं खाली बैठते हैं आप यू कैन रीड आउट द चैप्टर एटलीस्ट बायो में पढ़ सकते हैं इंग्लिश में चैप्टर रीड आउट कर सकते हैं हिंदी में कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में कर सकते हैं हिस्ट्री में कर सकते हैं राइट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग योर ईटिंग हैबिट्स जैसे आपने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कहा कि कम आफ्टर थ्री मंथ्स आई वेलकम यू सेम थिंग स्ट्राइक योर ईटिंग हैबिट्स फोकस ऑन दैट व्हाट यू आर ईटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू वॉन्ट बी एबल टू बिलीव कि स्लीपिंग डिप्राइव भी बहुत होता है बच्चे नींद उनकी पूरी नहीं होती और आई हैव सीन वन ऑफ द स्टूडेंट पूरी रात वो बच्ची मैथ्स पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही जब पेपर हुआ बोर्ड एग्जाम वॉमिटिंग स्टार्ट होने लगी क्यों क्योंकि वो सो ही नहीं पाई और सो गई तो पेपर छूट गया टेंशन के बारे में इट हैपेंस बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है एग्जाम हो गया दैट इज कॉल्ड फाइन एंड आई होप ऑल द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर न मुड़ कर देख तुझको अपनी मंजिल को पाना है न मुड़ कर देख तुझको अपनी मंजिल को पाना है अपनी हस्ती को आफ्ताब बनाना है न राहों में मचलना यूं चांद को देखकर तुझे सूरज बनकर आसमान को जगमगाना है थैंक यू